बच्चों बात करते हैं एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर क्या होता है और उसको कैसे डिफाइन करना है। एरिया वेक्टर क्यों जरूरी है, क्योंकि एरिया वेक्टर नहीं आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कांसेप्ट आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कांसेप्ट को समझने के लिए एरिया वेक्टर को समझना पड़ेगा। एरिया वेक्टर को जानने के लिए थोड़ा सा आपको ओवरव्यू या नॉलेज रखना पड़ेगा वेक्टर का। अगर वेक्टर का नॉलेज है तो एरिया वेक्टर को समझने में और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं आता है तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको लगेगा कि एरिया वेक्टर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपका सॉल्यूशन बनने लगेगा। तो हेडिंग लगाइए बच्चों, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर को कैसे पहले डिफाइन करना है, इसका क्या फॉर्मूला होता है पहले वो जानिए, फिर इस पे कैसे प्रॉब्लम बनेगी मैं वो सिखाऊंगा और ये भी बता दूंगा कि 2D ऑब्जेक्ट के लिए और 3D ऑब्जेक्ट के लिए एरिया वेक्टर कैसे और किस डायरेक्शन में होता है। कैसे और किस डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि 2D ऑब्जेक्ट के लिए एरिया वेक्टर इनवर्ड आउटवर्ड हो सकता है और 3D ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा आउटवर्ड ही होता है। वो कैसे होगा वो फिगर के थ्रू आपको समझ में आएगा। पहले तो डेफिनेशन समझिए कि एरिया वेक्टर क्या है। कोई भी चीज या कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसके पास दो चीजें तो होंगी ही। कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसके पास दो चीजें होंगी, वो आपको पहले से पता है क्योंकि आपने यूनिट एंड मेजरमेंट में 11th क्लास में सीखा था कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजें होंगी। तो ऐसा एरिया वेक्टर के पास भी है। एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर इज दैट वेक्टर, पहले तो ये लिख दीजिए, फॉर एनी प्लेन ऑफ सरफेस, फॉर एनी प्लेन ऑफ सरफेस, फॉर एनी प्लेन ऑफ सरफेस एरिया वेक्टर इज दैट वेक्टर, एरिया वेक्टर इज दैट वेक्टर, एरिया वेक्टर इज दैट वेक्टर whose magnitude, whose magnitude, whose magnitude क्या होगा, जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर इज दैट वेक्टर whose magnitude इज इक्वल टू द, whose magnitude इज, whose magnitude इज इक्वल टू द एरिया ऑफ प्लेन ऑफ सरफेस, प्लेन ऑफ सरफेस एंड, ये तो आपको मैग्नीट्यूड पता चल गया, एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो भी प्लेन लेंगे उसके परपेंडिकुलर होगा। अभी कम समझ में आया, जरा इसको मैथमेटिकल देखिए। मैं अगर ये लिखूं कि एरिया वेक्टर क्या होगा तो उसका पहले मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड हो गया a, और फिर डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी तो डायरेक्शन हो गई एन कैप। तो यहां मैं ये लिख सकता हूं ए क्या है, ये एरिया ऑफ प्लेन ऑफ सरफेस है, ये क्या है, एरिया ऑफ प्लेन ऑफ सरफेस है। अब सरफेस कैसा होगा वो आपको फिगर के थ्रू समझ में आएगा। एन कैप क्या है, एन कैप होता है यूनिट वेक्टर, क्या होता है ये होता है यूनिट वेक्टर, इसको यहां लिख लीजिए। एन कैप क्या होता है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, और कैसे होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। अब फिगर से रास समझ लो इसको कि एन कैप कहां होगा और एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे। अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये है फिगर, देखो ये आपके पास एक ऐसा फिगर है और एक आपके पास ये फिगर है, ऐसे मैंने बना दिया। अगर मैं पूछूं कि इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, तो ये तो हो गया एरिया, ये पूरा हो गया एरिया, अच्छा यहां पर पूरा एरिया क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया हो गया। अब इसके पास दो नॉर्मल हैं, इसके पास दो नॉर्मल हैं, मतलब एक तो बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। जो अंदर वाला है
उसको मैं डॉट डॉट से दिखाता हूं, देखो ऐसे दिखा रहा हूं, और जो बाहर वाला है उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक, ये हो गया। ऐसे यहां पर भी हो सकता है, ये बाहर वाला और ये अंदर वाला, ऐसे दिखा सकता हूं। देखिए ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं ये कैसे हैं, 2D ऑब्जेक्ट हैं। यहां पर क्या हो रहा है, ये इसका एरिया एरिया है, ये क्या है, एरिया है, एरिया ए है। किसका, ये प्लेन ऑफ सरफेस है, इस प्लेन ऑफ सरफेस का एरिया ए है। इसको मैं बोल सकता हूं कि ये आपके पास एक रिंग है, ठीक है, इसका एरिया, क्योंकि इसके आपके पास इसकी रेडियस होगी, तो जब रेडियस होगी तो उसका एरिया निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर देखो साइड मालूम होगी, एक स्क्वायर होगा तो यहां पे साइड मालूम हो जाएगी, तो यहां पर सेंटर हो जाएगा। ये ऐसा दिखा सकता हूं कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर सेंटर ना लिखिए आप, इस पॉइंट पर। तो देखो यहां पर जो एरिया वेक्टर आएगा वो इधर आएगा, और जो एन कैप होगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। में लिखा है एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, कहां होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। सरफेस आपके पास कुछ ऐसा होगा, जैसे मैं मान लूं कि मेरे पास क्या है, एक सरफेस है ऐसा, जैसे ये कॉपी है, ठीक है, तो इस कॉपी का जो ये सरफेस हो गया, और इसके परपेंडिकुलर, देखो इसके जो परपेंडिकुलर होगा ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर, क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है वही एन कैप है। तो यहां क्या होता है, जरा देखो, मैंने बताया कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो इसका एरिया होगा, एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ प्लेन ऑफ सरफेस, वो ये हो जाएगा। एन कैप कहां होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। इसका मतलब, इसके लिए भी मैं फॉर्मूला लिखूंगा, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एन कैप आएगा। एन कैप क्या बता रहा, फिर वही बात हो रही है कि एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। यहां लिखोगे तो ये एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर हो गया, इसी डायरेक्शन में एन कैप लग रहा है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ही एक ए वेक्टर होगा, नीचे भी हो सकता है, यहां ऊपर ही होगा, यहां नीचे भी हो सकता है। तो इसको आप समझोगे जब मैं आपको बताऊंगा 2D ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट में समझाऊंगा कि ये ऊपर और नीचे होगा तो उसमें फर्क क्या आएगा। ठीक है, अभी तो ये समझो कि ए वेक्टर ए ऊपर भी हो सकता है, वेक्टर ए नीचे भी हो सकता है, तो उसमें क्या फर्क आएगा वो आप अभी समझोगे। फिलहाल इतना समझ में आया कि एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर कुछ नहीं है, एरिया वेक्टर इज दैट वेक्टर हूज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ प्लेन ऑफ सरफेस, और उसकी जो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस होती है, या डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन कौन सा, प्लेन ऑफ सरफेस है, उसको ऐसे लिखना है, ये बात समझ में आ जाएगी। इसके बाद एक नोट लिखना है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर नोट लिखा जाए। नोट क्या लिखना है, जैसे मैंने कहा ना कि एरिया वेक्टर ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, ऊपर का मतलब अपवर्ड और नीचे का मतलब डाउनवर्ड। तो जरा देखो फॉर्मूला आप ये लिखे रहोगे, यहां देखो मैंने क्या कहा, नोट, नोट में ये आएगा कि जो 2D ऑब्जेक्ट होते हैं, फॉर 2D ऑब्जेक्ट या फिर ओपन सिस्टम, क्या होगा, ओपन सरफेस जो होते हैं, 2D सरफेस हो जाए या फिर ओपन सरफेस हो जाए, ऑब्जेक्ट कह लीजिए या फिर सरफेस कह लीजिए, ओपन सरफेस, ओपन सरफेस, ठीक है, ये हो गया ओपन सरफेस। तो एक हो गया 2D ऑब्जेक्ट या फिर ओपन सरफेस। ओपन सरफेस में कौन कौन आता है, ओपन सरफेस में आता है आपके पास एग्जांपल में है क्या, आप ले सकते हो स्क्वायर, आप ले सकते हो रेक्टेंगल, आप ले सकते हो रिंग, etc। ये क्या है, ये आपके पास ओपन सरफेस है। ओपन सरफेस के पास एरिया वेक्टर की दो डायरेक्शन होती हैं, इधर इनवर्ड और आउटवर्ड। मीन्स आप ये ले सकते हो कि फॉर 2D ऑब्जेक्ट या फॉर ओपन सरफेस एरिया वेक्टर हैज टू डायरेक्शन, लिखा जाएगा फॉर ओपन सरफेस, ओपन सरफेस एरिया वेक्टर हैज, एरिया वेक्टर हैज
टू डायरेक्शन इधर इनवर्ड और आउटवर्ड, या तो इनवर्ड होगी या फिर आउटवर्ड होगी, दो डायरेक्शन होगी। कैसे, जरा देखो, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर है। अभी मैंने समझाया साहब से, ये मैंने आपको समझाया कि ये स्क्वायर है, इसके पास एक डायरेक्शन हो सकती है ऊपर की, जिसको एरिया वेक्टर में बोल रहा हूं, ये एरिया वेक्टर, या फिर नीचे वाली हो सकती है डाउनवर्ड, इसको मैं एरिया वेक्टर बोल रहा हूं। इसका जो एरिया है वो क्या है, एरिया ए है। ऐसे ही मैंने बात करी किसके लिए, मैंने बात करी रिंग के लिए। रिंग के लिए भी आपको समझ में आया, ये रिंग है, तो रिंग में जो नीचे की तरफ एरिया वेक्टर आएगा उसको मैं बोलता हूं ये इनवर्ड है, और ऊपर की तरफ वाले एरिया वेक्टर को क्या बोल रहा हूं, ये हमारे पास अपवर्ड वेक्टर हो जाएगा। इसका जो एरिया होगा रिंग का, ये हो जाएगा एरिया। यहां से आप एरिया निकाल लेंगे, एरिया रिंग का मालूम करना है तो आपको रेडियस गिवन हो जाएगी, यहां से एरिया क्या निकाल सकते हो, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको ये रेडियस पता होगी। ठीक, यहां से क्या हो जाएगा, यहां पे आपको ये साइड मालूम होगी, जब ये साइड मालूम होगी तो स्क्वायर है तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर, तो एरिया निकालना आसान है। अब यहां पर क्या होगा, ए स्क्वायर एन कैप हो जाएगा ऊपर के लिए, अगर ऊपर को पॉजिटिव मानते हो तो, ऊपर को अगर पॉजिटिव मान रहे हो तो यहां ए स्क्वायर एन कैप पॉजिटिव में आ जाएगा, इसको नेगेटिव मानोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव मानने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप आई जे के के साथ डील कर रहे होंगे तो आपको क्या लिखना है वो समझ में आ जाएगा। अभी तो आप ये समझो कि जो ओपन सिस्टम होते हैं, ओपन सरफेस होते हैं, या 2D ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके लिए एरिया वेक्टर या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं अब 3D ऑब्जेक्ट के लिए, या क्लोज सिस्टम के लिए, या क्लोज सरफेस के लिए बात करूं तो क्या होगा, उसके लिए सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, उसके लिए सिर्फ एक एरिया वेक्टर होता है। कैसे होता है उसको भी समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं बात करूं। देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूं 3D ऑब्जेक्ट के लिए या फिर क्लोज सरफेस के लिए, क्या आएगा, क्लोज सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होता है वो ऑलवेज आउटवर्ड होता है। एग्जांपल समझिए पहले क्या होते हैं 3D ऑब्जेक्ट के लिए, एग्जांपल क्या होंगे, यहां क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, क्यूबॉइड हो जाएगा, कोन हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा, फिर स्फेयर हो जाएगा, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं ये। अब आपको यहां क्या समझना है कि 3D ऑब्जेक्ट हैज ओनली वन एरिया वेक्टर, वही कैसा, आउटवर्ड होता है। तो 3D सरफेस या क्लोज सरफेस हैज ओनली वन, यहां क्या लिखा जाएगा, क्लोज सरफेस हैज ओनली वन, क्लोज सरफेस हैज ओनली वन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, है ना, ओनली वन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ओनली वन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। कैसे होता है जरा देखो, यहां पे मैं एक क्यूब बना देता हूं, ये आपने एक क्यूब बना दिया। अब इस क्यूब के पास देखो, ये क्यूब हो गया, यहां पर देखो, और ये स्फेयर देखो, ये कैसा है, ये एक स्फेयर है, मैंने ऐसा स्फेयर बना दिया, ये एक स्फेयर है। तो आप इस स्फेयर में देखोगे तो जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर क्या होगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ये एरिया वेक्टर है। यहां पे क्या होगा, कहीं पर भी बनाओगे जो एरिया वेक्टर बनेगा वो हमेशा क्या होगा, इट हैज ओनली वन, का मतलब, वन का मतलब ये नहीं होगा कि एक ही होगा, इस सरफेस पर जो भी एरिया वेक्टर होगा, क्लोज सरफेस हैज एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड, ये मतलब है।
यहां पे क्या हो गया, क्लोज सरफेस हैज एरिया वेक्टर हैज ए क्लोज सरफेस हैज एरिया वेक्टर या क्लोज सरफेस हैज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड कर दो, क्या कर दो, हैज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड, ऑलवेज आउटवर्ड, ये एकदम सही हो जाएगा यहां से, क्लोज सरफेस है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड, तो ये एरिया वेक्टर है, यहां पर आप इनको एरिया वेक्टर दिखा सकते हो, केवल एक ही नहीं होगा, जो भी एरिया वेक्टर आप बनाना चाहोगे वो क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड होगा, इनवर्ड नहीं होगा। यहां पर देखो ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है, तो मतलब 3D सब जो 3D ऑब्जेक्ट होते हैं या क्लोज सरफेस होते हैं उनके पास जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा आउटवर्ड होता है, और जो 2D ऑब्जेक्ट होते हैं या ओपन सरफेस होते हैं उनके पास जो एरिया वेक्टर होता है वो या तो इनवर्ड होगा या फिर आउटवर्ड होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन के साथ आप कैसे डील करोगे कि एरिया वेक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाए। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं बात करूं। चलो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन लेता हूं और एरिया वेक्टर को कैलकुलेट करना आपको सिखाता हूं। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द एरिया वेक्टर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट एरिया वेक्टर इन XY प्लेन, इन XY, YZ एंड ZX प्लेन एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, जैसा आपको फिगर में दिया गया है अभी दे दिया जाएगा, एज शोन इन फिगर। ए इज द साइड ऑफ, ए साइड ऑफ जो यहां पर जैसे मैं फिगर बना ही दूं, देखो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया z एक्सिस। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि z एक्सिस कहां होगी, ऐसे बाहर होगी, ये x है ये y हो गया। यहां पर जो साइड ऑफ स्क्वायर होगा कुछ ये, यहां पे साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर ए इन मीटर, ये किसमें है, साइड ऑफ स्क्वायर ए इन मीटर है, ऐसा आपको गिवन है। तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। दूसरा देखो, जितना ये है इसको ओ कंसिडर करो, इसको ए कंसिडर करो, इसको बी कंसिडर करो, और इतना ही पार्ट यहां पे लेना है, इसको ले लीजिए यहां पर सी, ये ऐसे बन जाएगा, और इतना ही पार्ट यहां पर भी लेना है, ये बन गया। तो देखो यहां पर स्क्वायर बन गया, एक स्क्वायर ये है, स्क्वायर ये है, स्क्वायर ये, थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा, इसको आप थोड़ा छोटा कर लेंगे, देखो यहां से ऐसे, ऐसे हो गया। तो आपको क्या करना है, एक्स वाई प्लेन में एरिया वेक्टर निकालना है, वाई जेड प्लेन में निकालना है और एक्स जेड प्लेन में निकालना है। तो देखो यहां पर मैंने बोला आपसे ना कि थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, किसका, वेक्टर का, वेक्टर का नॉलेज क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर आपको मालूम होने चाहिए कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। देखो जरा सा, अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, जेड डायरेक्शन की बात करूं तो जे कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप होता है यूनिट वेक्टर। साइड आपको दे दी गई है, साइड कितनी है, ए ए ए साइड दे दी गई है, ये ए है, तो यहां तक आप निकाल सकते हो OA वेक्टर की वैल्यू, OB वेक्टर की वैल्यू भी निकाल सकते हो और OZ वेक्टर की वैल्यू भी, मतलब OC की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब आपको निकालना है क्या, सबसे पहले एरिया वेक्टर निकालिए, किसका, XY प्लेन में, यहां लिखा जाएगा इन XY प्लेन। अगर मैं XY प्लेन की बात करूं, XY प्लेन की बात करूं तो एरिया वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा, एरिया वेक्टर XY प्लेन क्या आ जाएगा, पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखो, मैग्नीट्यूड लिखो, फिर उसके बाद डायरेक्शन लिखो, डायरेक्शन मतलब एन कैप। तो
ये चीज तो फॉर्मूले से आई लेकिन मुझे यही निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, एरिया वेक्टर किसी का भी लिखना हो, अगर मैं बात करूं इस वाले की, किसकी मैं बात कर रहा हूं, इस प्लेन की बात कर रहा हूं, तो देखो जरा सा, इसका एरिया वेक्टर निकालना है तो मुझे लिखना पड़ेगा OA वेक्टर, OA क्रॉस OB वेक्टर, मुझे OA इंटू OB लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा यहां से, देखो OA का मतलब हो गया, OA वेक्टर है, तो वेक्टर का मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, तो मैग्नीट्यूड A है, डायरेक्शन ये है, तो ये आ जाएगा AI कैप क्रॉस OB मतलब मैग्नीट्यूड, A डायरेक्शन J, तो ये हो जाएगा AJ कैप, तो यहां से देखो A A स्क्वायर हो गया और ये आएगा आई कैप क्रॉस जे कैप। अब आपको यहां रुकना पड़ेगा, आई क्रॉस जे कैप क्या होता है, तो जरा देखो आपने वेक्टर में ये पढ़ रखा है आई कैप और फिर जे कैप फिर के कैप, अगर आपने ये लिखा कहीं क्या आई डॉट आई, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है मैं बता दे रहा हूं, जे डॉट जे या के डॉट के इक्वल टू, ये तो डॉट प्रोडक्ट में है तो डॉट प्रोडक्ट में तो वन होता है, लेकिन अगर कहीं लिखा है आई क्रॉस जे कैप, आई क्रॉस जे तो ये होता है के कैप, और लिखा है जे क्रॉस के तो ये होता है आई कैप, जो नहीं है वही मिल जाएगा, अगर लिखा है के क्रॉस आई तो ये हो जाएगा जे कैप, ठीक। अगर इसका उल्टा कर दोगे आप, देखो जे क्रॉस आई कर दो, क्या कर दो जे क्रॉस आई, तो ये हो जाएगा माइनस के कैप, ऐसे ही इसमें के क्रॉस जे कर दो, के क्रॉस जे कैप, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप। आपको ये डेटा जरूर याद रखना है एरिया वेक्टर को समझने के लिए, आई क्रॉस के कैप ये हो जाएगा माइनस जे कैप, मतलब आपको चलना कैसे है, क्लॉकवाइज के लिए ये वाला है और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज के लिए है, ठीक। तो यहां पर आप ऐसे चलेंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, अगर आई जे है तो के आएगा, जे के है तो आई आएगा, के आई है तो जे आएगा, ये आपको करना है। अब जरा देखो यहां से आई क्रॉस जे, तो आई आई क्रॉस जे इनको, इनकी बात करिए, ये क्रॉस प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट में, आई क्रॉस जे क्या आएगा, आई क्रॉस जे के होता है, तो यहां से के आ जाएगा ए स्क्वायर के। अब देखो जरा ये 2D ऑब्जेक्ट है, क्यों 2D ऑब्जेक्ट कहां रखा है, एक्स वाई प्लेन में रखा है, इसका मतलब हमारे पास जो कॉपी है वो कॉपी कुछ ऐसे रखी, ऐसे, तो एरिया वेक्टर इसके बाहर भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है, तो आपको कैसे पता चला कौन सा होगा, तो ये इस तरह से करेंगे तो एक क्या आ रहा है, ए स्क्वायर के कैप आ रहा है, इसका मतलब आउटवर्ड आ रहा है क्योंकि प्लस है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, एरिया वेक्टर एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर मैं पहले ये लिख देता ओबी वेक्टर क्रॉस ओए वेक्टर, तो रिजल्ट मेरा दूसरा आता, ओबी मतलब क्या होता, ए जे कैप इंटू ए आई कैप, और देखो यहां से क्या होता ए ए बाहर आ जाता, तो ए ए मल्टीप्लाई कर देते, तो यहां अंदर मुझे लिखना पड़ता जे क्रॉस आई कैप, जब जे क्रॉस आई कैप लिखता मैं तो क्या लिखना पड़ता, जे क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस आई ये होता है माइनस, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस जे कैप। तो ये बताता है इनवर्ड के लिए, ये बताता है आउटवर्ड के लिए, सॉरी ये J क्रॉस आई है तो K आएगा यहां पे, J क्रॉस आई माइनस K और I क्रॉस J K होता है, तो ये तो हो गया, आपको पता हो गया कि 2D ऑब्जेक्ट था, एक्स वाई का मतलब 2D ऑब्जेक्ट है, तो उसके पास दो एरिया वेक्टर हो सकते हैं, या तो बाहर की ओर या फिर अंदर की ओर। एक और जरा देखिए किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये तो हो गया एक्स वाई प्लेन के लिए, तो ये आपको समझ में आया कि एक्स वाई प्लेन में है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, क्या आप लिख सकते थे एरिया वेक्टर किसमें, एक्स वाई में, एक्स वाई में है तो ये इंटू ये लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो आएगा पहले एरिया प्लेन ऑफ सरफेस, फिर इसकी डायरेक्शन देखनी है, तो आई और जे, आई और जे इसका मतलब है आई और जे हटा दीजिए तो क्या आएगा, या तो के कैप आएगा और या फिर क्या आएगा, या फिर ए स्क्वायर माइनस के कैप आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो आप मीटर स्क्वायर लिख दोगे ये लिखने के बाद, यहां क्या आएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया वेक्टर होता है। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर मैं पूछूं आपसे, मुझे बताओ एरिया वेक्टर बताइए वाई जेड का, तो आप वाई जेड देखो, एक्स वाई नहीं देखा तो के कैप आया है, वाई जेड देखेंगे तो वाई जेड में क्या आएगा, यहां पे एक्स वाई था तो के आया,
वाई जेड है तो क्या आएगा, वाई जेड है तो आई आएगा, क्योंकि जे भी नहीं आएगा, जेड है, वाई है तो जे नहीं आएगा, जेड है तो के नहीं आएगा, मतलब आई बचा। यहां आंसर आएगा ए आई कैप, या फिर ये होगा ए स्क्वायर माइनस आई कैप, या तो ये होगा। अगर मैं पूछूं ए वेक्टर जेड एक्स, तो जेड मतलब के नहीं होगा, एक्स का मतलब आई नहीं होगा, तो क्या आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर जे कैप आएगा, या फिर ए स्क्वायर माइनस जे कैप आएगा। बस लिखने का तरीका आपको आ जाना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, देखो इन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन होगा तो क्या आएगा, वाई जेड प्लेन में एरिया वेक्टर वाई जेड लिखोगे तो यहां वाई जेड का मतलब क्या आया, ये और ये है, तो लिखा क्या जाएगा, वाई जेड है, तो ओबी, ओबी क्रॉस ओसी, ओबी का मतलब क्या आएगा, ए जे वेक्टर, और ओसी का मतलब है ए के वेक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, और आएगा जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या होता है, देखो जे क्रॉस के आई होता है, तो ए स्क्वायर आई कैप मिल जाएगा यहां से, और आगे यूनिट क्या रहेगी, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहां देखो दूसरा क्या आएगा, ये आएगा एरिया वेक्टर ही वाई जेड। अब की बार मैं ये गलती कर दूं कि ओसी पहले लिख दूं, तो पहले ये लिख देता तो क्या आएगा, ओसी क्रॉस ओबी, तो क्या मिलता, ओसी मतलब ए के कैप क्रॉस ए जे कैप, पहले ये लिख दूं ए जे ए के कैप इनटू ए जे कैप, तो यहां क्या आएगा ए स्क्वायर, यहां आएगा के क्रॉस जे कैप, तो के क्रॉस देखो के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई कैप, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई कैप, और आंसर आएगा आगे मीटर स्क्वायर में। तो ये तरीका होता है। एक और देख लीजिए किसमें, इन जेड एक्स प्लेन, अगर जेड एक्स प्लेन में देखोगे तो क्या आएगा, जो एरिया वेक्टर होगा जेड एक्स का, तो ये आ जाएगा जेड एक्स, जेड ये एक्स है जेड है, तो ओ ए इंटू ओ सी आएगा, ओ ए इंटू ओ सी, अब ओ ए का मतलब ए आई कैप, जेड का ओ सी का मतलब जेड वाले में है, तो ए के कैप, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आई क्रॉस के आएगा, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या होता है, देखो आई क्रॉस के होता है माइनस, देखो ये क्या आएगा, ये आई क्रॉस के है, तो आई क्रॉस के क्या आया, आई क्रॉस के लिखोगे माइनस जे कैप आ जाएगा, तो यहां से ए स्क्वायर माइनस जे कैप आ सकता है। ठीक, ये तो ऐसे है, इसको ऐसे है। अब देखो एक और हो सकता है, वेक्टर ए जेड एक्स क्या आ सकता है यहां से, ये अब की बार इसको आगे पीछे कर दो, तो ओ सी वेक्टर क्रॉस ओ ए वेक्टर, तो ये आ जाएगा कितना, ए के कैप इंटू ए आई कैप, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर के कैप क्रॉस आई कैप, तो के क्रॉस आई क्या होता है, जी, इसका मतलब ए स्क्वायर जे कैप मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ समझना है कि किसको पहले किसको बाद में लिखेंगे तो क्या फर्क आएगा। अगर ओ ए पहले लिखते हैं और उसी बाद में लिखते हैं तो फर्क सिर्फ किसमें आता है, या तो जे आएगा क्योंकि एक्स और के है तो जे ही आएगा, या तो प्लस जे आएगा या तो माइनस जे आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करने आ जाएगा। तो मैंने देखो रिजल्ट यहां पर लिख दिए थे, समझा दिया था, कैसे समझाया था मैंने, अगर एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हो, एक्स वाई प्लेन दिमाग में रखो, एक्स वाई प्लेन इसका मतलब क्या है, जेड वाला यूनिट वेक्टर बनेगा। अब वो प्लस होगा कि माइनस होगा वो आपको देखना है। अगर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो सडनली आप वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन में कहाँ आएगा, वाई जेड प्लेन है तो आई कैप आएगा, वाई जेड प्लेन का मतलब जे और के नहीं आएगा तो आई कैप आएगा, तो प्लस आई कैप या तो माइनस आई कैप। ठीक है, देखो वाई जेड प्लेन का मतलब क्या है, जो इस प्लेन में रखो, देखो ये वाई है और जेड बाहर है, तो ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे तो या तो इस डायरेक्शन में जाएगा एरिया वेक्टर या तो इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप रखते हो किसमें, आप रखते हो एक्स में और जेड में रखते हैं, तो एरिया वेक्टर या तो वाई में जाएगा या तो फिर या तो वाई जे प्लस में जाएगा तो जे माइनस में जाएगा। ये चीजें आपको देखनी है। तो बेटा इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, स्क्रीन शॉट लीजिए, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। फाइंड आउट एरिया वेक्टर
फाइंड आउट एरिया वेक्टर, कहां फाइंड करना है, फाइंड आउट एरिया वेक्टर एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, रेडियस ऑफ सर्किल आर इज इन मीटर। अब ये मीटर में दिया जाए रेडियस सर्किल की, या तो फिर सेंटीमीटर में दिया जाए, वो आपको देखना है। ये आपके पास एक फिगर है, इस फिगर में ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहां पर एक सर्किल बना दिया गया है, इसकी रेडियस कितनी है, ये रेडियस आर है। कहा गया है बताइए इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो आप देख रहे हो कहां रखा है, जेड एक्स प्लेन में रखा है या एक्स जेड प्लेन में रखा है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ होगा एरिया वेक्टर, या तो फिर एरिया वेक्टर नीचे होगा। आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि एरिया वेक्टर है, तो इसका पहले तो एरिया निकाल लो। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सरफेस क्या आएगा, एरिया ऑफ प्लेन ऑफ सरफेस, एरिया जो आएगा ए, ये आएगा पाई आर स्क्वायर आएगा। और ये पता चल गया है कि एग्जिट प्लेन है, कहां है, एग्जिट प्लेन है। तो यहां सॉल्यूशन लिखोगे फॉर एक्स जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन, तो जो प्लेन ऑफ सरफेस है वो कहां रखा है, एग्जिट प्लेन में रखा है, एग्जिट प्लेन में रखा है। इसका मतलब इसका एरिया मिल गया है, एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर जो आएगा वो ए इंटू एन कैप आएगा, और ए मिल चुका है पाई आर स्क्वायर मिल गया है। एन कैप क्या होगा, एन कैप इसके पास दो एरिया वेक्टर हो सकते हैं, या तो आउटवर्ड होगा या फिर इनवर्ड होगा। तो देखो जेड एक्स में रखा है, यहां लिखोगे तो क्या आएगा, यहां लिखोगे तो ए और ये आ जाएगा कितना, जे कैप। यहां लिखोगे तो क्या आएगा, यहां आएगा ए माइनस जे कैप, और ये मीटर में है तो आंसर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब आप किस में लिखना चाहते हो वो देख लो, एन कैप अगर ऊपर लिखना चाहते हो तो क्या आएगा, ये जे कैप मीटर स्क्वायर आ जाएगा, या फिर ये हो सकता है बच्चों एरिया वेक्टर क्या होगा, ए एन कैप, एरिया वेक्टर क्या आएगा, ए पाई आर स्क्वायर, और एन कैप क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप मीटर स्क्वायर। ये बता रहा है माइनस जे कैप की इनवर्ड है, और प्लस जे कैप बता रहा है कि ये अपवर्ड है, क्या है, अपवर्ड है, और यूनिट आपने लिख दी है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। अब ये हो सकता है यहां रखा होता एक्स वाई प्लेन में, हो सकता है कि वाई जेड प्लेन में रखा हो, कहीं पर भी रखा हो, आपको एरिया वेक्टर निकालने आ जाएगा। इस लेक्चर के बाद अब हम लोग समझेंगे और डिटेल में समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को।